इन विजय अच्छाई की होगी। रानी ने की संचित से शादी, रॉकी को हुआ पवित्र की बातों पर विश्वास। वेल, हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल पिशाचिनी की। आज के एपिसोड में हमने देखा कि पवित्र रॉकी को ढूंढ रही होती है, वहीं रॉकी अपने दिखाई न देने की वजह से परेशान हो जाता है। रॉकी पवित्र की सभी बातों को सुन लेता है और पवित्र को बताने की कोशिश करता है कि वो यहीं पर है। रॉकी रानी के पिशाचिनी होने के सच के बारे में भी जान जाता है। एपिसोड में हमने आगे देखा कि विद्या पवित्रा को अपने साथ बाहर लेकर जाती है, जहां रानी संचित के साथ शादी कर घर वालों के सामने आ जाती है। एपिसोड में आगे हमने देखा कि रानी संचित के साथ उल्टे फेरे लेती हुई दिखाई देती है। संचित अपनी और रानी की शादी के बारे में घर वालों को बताता है। रानी और संचित ने घर वालों से माफ़ी भी मांगी। वहीं पवित्रा को रानी के प्लान के बारे में सब कुछ समझ में आ जाता है। चाचा चाची पवित्रा को सभी घर वालों को मारने की धमकी देते हैं। वहीं घर वाले दोनों की शादी से काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। रॉकी की माँ पवित्रा को ताने देती हुई भी हमें नजर आती है। एपिसोड में आगे हमने देखा कि रॉकी की माँ रानी और संचित की आरती उतारती है। रानी सभी घर वालों का आशीर्वाद भी लेती है। पवित्रा रॉकी की तरफदारी करती हुई भी हमें दिखाई देती है। पवित्रा रानी को अपने साथ ले जाती है। वहीं एपिसोड में आगे हमने देखा कि पवित्रा रानी से रॉकी के बारे में पूछती हुई दिखाई देती है। पवित्रा रानी को पकड़ लेती है और उसे धक्का भी मार देती है। वहीं रानी रॉकी के अदृश्य होने के बारे में पवित्रा को बताती है। रानी पवित्रा पर वार भी कर देती है। वेल, अपकमिंग एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा, क्या पवित्रा ला पाएगी रॉकी को वापस रानी के माया जाल से? क्या पवित्रा मार पाएगी रानी को? आपका अपकमिंग एपिसोड के बारे में क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टीवी शोज़ की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।